हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ चैप्टर 12 है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हमें आज डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट। मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या बताया गया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। तो ये क्या है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, प्रोवाइड करता है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। हम जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करते हैं उन सब को एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। जितनी भी हमारे जो भी हमारे रेजिडेंट होंगे, जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है, वो सभी हमें रिकॉर्ड में रखनी है। जैसे हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उन सभी ट्रांजेक्शन को हमें रखना है। और ये कैसे रखना है, कंट्री द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। जैसे हमारा ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मीन्स एक हमारा ईयर बन गया, ये हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और इसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या रखना है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट रखना है। ठीक है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस के साथ में। रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, जितना भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होगा तो वो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट जो भी हमारे पास किया जा रहा होगा, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। क्लियर हो गई बात। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रेफर टू दोज ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द टाइटल एंड ऑनरशिप गुड्स सर्विसेज मनी एंड एसेट्स। कि भाई जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है जिन पर हमारा मालिकाना अधिकार है, जिनके हम ऑनर हैं, वो हमारी गुड्स भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं, मनी एंड एसेट्स कुछ भी हो सकता है। तो हमें जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करनी है जिसके हम ऑनरशिप हैं, जिसको हमने इन्वॉल्व किया है, हम गुड्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी ट्रांजेक्शन, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी ट्रांजेक्शन, मनी के बिहाफ पे कुछ कर रहे हैं तो उसकी, और अगर एसेट्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसकी। हमें जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस करनी है उसका रिकॉर्ड भी हमें रखना होगा। क्लियर। अब इसमें आपकी चार बातें बताई गई हैं, फर्स्ट विजिबल आइटम, सेकंड इनविजिबल, यूनिलैटरल एंड कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, तो ये हम डिटेल में बताऊंगी। विजिबल क्या होता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे इसमें हमारा क्या आ जाएगा, गुड्स। ठीक है, इनविजिबल जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन हमें प्रोवाइड की जा रही है, सर्विसेज। ठीक है, मनी क्या होती है भाई, मनी हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर में आ जाएगी कि हमने कुछ गुड्स को बाहर भेजा है तो वो मनी के साथ ही तो भेजेंगे। ठीक है, उसके बाद कैपिटल ट्रांसफर, तो जितनी भी हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स हो रही हैं और जितना भी हमारा कैपिटल बजट बन रहा है, दैट इज़ बी कैपिटल ट्रांसफर। क्लियर हो गई चारों बातें। चलिए आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग यूजेस द डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम आप लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा कि डबल एंट्री सिस्टम फॉर ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास एक साइड डेबिट होगी और एक साइड क्रेडिट होगी, जो हम अकाउंट में करते भी हैं कि डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, आपने रूल्स भी पढ़े होंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए देखते हैं, बीओपी अकाउंट आल्सो हैज टू साइड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आल्सो किस साइड है, टू साइड से हैं। देखो, अभी बताया था मैंने कि हमारी एक क्या होती है, क्रेडिट साइड, और एक होती है हमारी डेबिट साइड। क्रेडिट साइड जितना भी इनफ्लो होगा, जितना भी हमारे पास इनफ्लो हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज में हो रहा है, या आपके पास जितना भी सोर्सेज रिकॉर्डेड हम रख रहे हैं, जितना भी इनफ्लो होगा वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, और जितना भी आउटफ्लो होगा वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। क्लियर है बात। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड नॉट बी ऑलवेज इक्वल, कि जरूरी नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या रहे, इक्वल रहे। क्लियर है। अब बात करते हैं बैलेंस्ड बीओपी, यानी कि बीओपी का जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो हमारा बैलेंस है वो किस तरह से होगा। बीओपी इज बैलेंस्ड व्हेन रिसीप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल टू पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि भाई हमारा
अगर हमारा एक्सपोर्ट और हमारा इम्पोर्ट इक्वल है, ठीक है, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। देखो, व्हेन रिसीप्ट्स फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल टू पेमेंट ऑफ, दोनों चीज़ रिसिप्ट एंड पेमेंट अगर, यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट अगर इक्वल है तो हमारा क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं सरप्लस, सरप्लस में क्या होगा, व्हेन रिसिप्ट, सरप्लस में होता है हमारा व्हेन रिसिप्ट फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज। एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, भाई जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतनी ज़्यादा हमारी अर्निंग होगी ना, तो अगर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं और इम्पोर्ट क्या है हमारे कम है, तो हमें क्या होगा, सरप्लस होगा, ठीक है, हमारे पास आ रहा है ज़्यादा। डेफिशिट बी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन डेफिशिट व्हेन रिसीप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर लेस देन पेमेंट, पेमेंट पेमेंट क्या हो रहा है ज़्यादा, इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो हमारा डेफिशिट होगा। क्लियर हो गई बात, तीनों बताए मैंने, बी ओ पी कैसे होगा, बैलेंस, सरप्लस और डेफिशिट, थ्री टाइप्स से हो सकते हैं। बैलेंस अगर इक्वल होगा, ठीक, तो हमारा बैलेंस होगा। अगर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे इम्पोर्ट कम होंगे तो सरप्लस होगा, इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे और एक्सपोर्ट कम होंगे तो डेफिशिट होगा। क्लियर है बात, चलिए आगे चलते हैं, मीनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, ट्रेड होता है हमारा, रेफर टू डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल। भाई जितना भी ट्रेड का मतलब क्या होता है, बिजनेस, व्यापार, है ना, तो बिजनेस में हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हम देख सकते हैं, ट्रेड बाई बिजनेस अगर आप किसी चीज़ का कर रहे हो तो आप उसको देख सकते हो ना, तो यहाँ पर हमें डिफरेंसेस देखने हैं, बिटवीन करना है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में इन विजिबल आइटम, कि जो हम देख सकते हैं। तो अगर हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालना है तो हम वो कैसे निकालेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, बी ओ टी अगर निकलेगा तो एक्सपोर्ट गुड्स में से माइनस करेंगे इम्पोर्ट गुड्स, तो हमारा निकल के आ जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर हो गई बात, अब बात करते हैं बैलेंस ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड की। अब बैलेंस ऑन ट्रेड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑलवेज इक्वल टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। सेम बात जो मैंने अभी बताई थी कि इक्वल है, अगर इक्वल होगा किसके, इम्पोर्ट के, ठीक है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट अगर इक्वल है तो हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस, सेम बी ओ टी में हो गया हमारा, ठीक है। सरप्लस की बात करें, मोर देन गुड्स किसके, इम्पोर्ट के, अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होगा और क्या होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इम्पोर्ट कम होगा तो हमारा सरप्लस होगा। डेफिशिट की बात करें, गुड एक्सीड द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स देन द कंट्री इज सेड टू हैव ए डेफिशिट बी ओ टी। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन आती है कि अगर हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है या एक्सपोर्ट कम है, वही जो हमारी डेफिशिट कंडीशन होती है मैंने जो अभी आपको बताई है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट बैलेंस ऑफ ऑन ट्रेड, सेकंड आपका सरप्लस और थर्ड आपका डेफिशिट। क्लियर है बात, नेक्स्ट चलते हैं कंपोनेंट पर। कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये इम्पोर्टेंट पोर्शन भी है आपका, ऑल ट्रांजेक्शन्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी ग्रुप अंडर टू ब्रॉड कैटेगरी। बाई बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रॉड कैटेगरी के अंडर में बताया गया करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो आप ने पहले भी पढ़े हैं अकाउंटिंग में, ये वो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट नहीं है, ये हमें इकोनॉमिक्स की कंडीशंस पर पढ़ने हैं, ठीक है बात। चलिए, करंट अकाउंट रेफर टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि जितना भी हमारा करंट अकाउंट है वो हमारे पास, मीन्स अगर हमारे पास पैसा आया, ठीक है, पॉजिटिव कंडीशन हो गई ना, पॉजिटिव क्रेडिट हो गया भाई, अगर आया तो हमारा एक पॉजिटिव रिलेशन बनेगा, पॉजिटिव होगा कि गुड्स एंड हमारा जो गुड्स हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो अगर हमारे पास पैसा आ रहा है
तो वो हमारा क्या कहलाएगा, करंट अकाउंट कहलाएगा। देखो बताया ना, अकाउंट विच द ट्रांजेक्शन रिलेट टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज यूनिलेटर। यूनिलेटर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक टाइम ऑफ पीरियड में हमारे पास जितना भी पैसा आएगा वो हमारा करंट अकाउंट कहलाएगा। क्लियर है बात। अब इसे आगे चलते हैं, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के हमारे पास कंपोनेंट है कुछ, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कर रहे हैं गुड्स में तो हमारा करंट अकाउंट होगा। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं तो होगा। यूनिलेटर हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम एब्रॉड। एक एग्जांपल दिया था कि अगर बच्चा यहाँ इंडिया में पढ़ रहा है और पैसा भेज रहा है तो करेंसी में चेंज होता है, अभी आपको लास्ट में बताया था। इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट टू फ्रॉम एब्रॉड है ना, या वहाँ का पैसा यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये सब चीज़ें हमारी क्या हैं, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट के पार्ट थे। एक्सपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटर एंड अनरिक्वायर्ड ट्रांसफ़र टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये चारों पॉइंट हो गए आपके। अब बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। अब हमें अगर करंट अकाउंट का बैलेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस इज द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। भाई हमें नेट वैल्यू निकालनी है और नेट वैल्यू निकालने के लिए क्रेडिट माइनस डेबिट हमें करना पड़ेगा। एक साइड क्रेडिट आइटम है, एक साइड डेबिट आइटम है और एक साइड आपकी नेट क्रेडिट है। क्रेडिट आइटम अगर हम विजिबल ट्रेड कर रहे हैं, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है, माइनस कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ऐसे ही इनविजिबल ट्रेड हो रहा है, इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज हो रही है, नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज निकल जाएगी। ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र हो रहा है तो ट्रांसफ़र सर्विसेज हो जाएगी और नेट ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, फोर्थ पॉइंट आता है। इनकम पेमेंट हो रही है और हमें क्या निकालनी है, नेट इनकम, लेस कर देंगे तो नेट इनकम निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली क्रेडिट साइड वाली हमारी क्या निकल के आई, क्रेडिट रिसिप्ट्स, डेबिट साइड वाली करंट पेमेंट, और हमारी जो ये निकल के आई करंट अकाउंट बैलेंस, कौन सा ये। ठीक है, नेट वाला जितना भी पोर्शन लास्ट में निकल के आया करंट अकाउंट बैलेंस निकल के आया। तो ये हमारा एक फॉर्मेट था किसका, करंट अकाउंट ऑन कंपोनेंट का, कि किस तरह से हमें अपना बैलेंस निकालना है। क्लियर हो गई बात। अब आगे चलते हैं कैपिटल अकाउंट पर। कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉजेज अ चेंज। यहाँ पर देखो, विच कॉजेज अ चेंज इन द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। कि भाई जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं उन दोनों के बीच में, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटी, या तो वो इंडिविजुअल होंगी या एसेट्स एंड लाइबिलिटी में चेंज होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल अकाउंट कहलाएगा। कहाँ है ना, यहाँ पर चेंज इन द एसेट्स एंड लाइबिलिटी रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन द, जितनी भी या तो गवर्नमेंट करेगी या फिर हम इंडिविजुअली करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गई बात, जितनी भी ट्रांजेक्शन हमें करनी है। आगे चलते हैं कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। द मेन कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, मेन कंपोनेंट है इसके, फर्स्ट आता है ये आपका हेडिंग था बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, बोरो का मतलब यानी कि हमारे पास पैसे आएगा और हम उसको प्लस कर देंगे, और हमारे पास जितना भी लैंड किया जाएगा या हमने रिसीव जो किया, अगर वो इंडिविजुअल हुआ तो वो हमारा प्राइवेट होगा, अगर वो गवर्नमेंट के बेसिस पर हुआ, गवर्नमेंट के थ्रू हुआ, तो वो हमारा ऑफिशियल होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। वही चीज़ें इसने कही है, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेट टू बोरो फ्रॉम अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट। क्लियर है। अब सेकंड जो है इसी में, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इन्वेस्टमेंट करते हैं भाई, इन्वेस्टमेंट में या तो हमें डायरेक्ट कंट्रोल मिलता है या डायरेक्ट कंट्रोल नहीं मिलता। इन्वेस्टमेंट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर ऑफ इंडियन कंपनीज रियल एस्टेट इन इंडिया। हमने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए, ठीक है, और वो शेयर परचेज जो हमने किए हैं, हमने डायरेक्टली किए, लेकिन हमारा डायरेक्ट रोल तो नहीं है ना। क्लियर है बात।
और इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेजिडेंट इन शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी, वही बात जो मैं बता रही हूँ, फॉरेन कंपनी के कर हैं तो हमारा वहाँ पर डायरेक्ट रोल नहीं होगा। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, क्लियर है। हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पर डायरेक्ट रोल नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आता है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक। जितना भी हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करते हैं उसमें हेल्ड होते हैं कौन, सेंट्रल बैंक, और किस बेस पर, फाइनेंशियल एसेट्स के बेस पर, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट देखते हैं, बोरो एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। मैंने बताया आपको कि भाई अगर हम बोरो कर रहे हैं फ्रॉम अब्रॉड से और लैंड किया हमने टू अब्रॉड, तो हमारा नेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। सेम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड भी करना पड़ेगा डेबिट साइड में, तो हमारा नेट निकल के आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। ऐसे ही चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो ये हमारा नेट क्या निकलेगा, नेट एक्सचेंज इन चेंज इन एक्सचेंज रिजर्व, क्लियर हुई बात। क्रेडिट से डेबिट करेंगे तो हमारा नेट निकल के आ जाएगा, क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट भी है, और ये जो टॉपिक मैंने कंपोनेंट बताया आपके कैपिटल और करंट अकाउंट से, इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% मिल ही सकता है एग्ज़ाम में आपके, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनना है, इसमें से क्वेश्चन समझने की कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे और किस क्वेश्चंस का आंसर किस तरह से दिया जाएगा। सो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, बोर्ड प्रिपरेशन अच्छे से करें और सभी वीडियो को ध्यान से सुनें समझें और अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन।